प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जौनपुर गांव में एक जानदार चौकीदार था, नाम था आकाश। वो रात भर जागकर आवाज लगाता और घूमता था, जिसकी वजह से गांव वाले चैन की नींद सो पाते थे। रात को अपना टिफिन लेकर निकल पड़ता और सीधे शिवजी के मंदिर पर जाता। पुजारी जी ने कहा, अरे आकाश, लोग तो दिन में मंदिर आते हैं, तुम रात में क्यों आते हो? पंडित जी, पहली बात, बिना भोलेनाथ के दर्शन किए काम पर कैसे जाऊं? और दूसरी बात, जब तक भगवान जी जाग रहे होते हैं मुझे गांव की फिक्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सोते हैं मैं गांव के रखवाले के लिए निकल पड़ता हूँ। ऐसे ही समय बीतने लगा और एक दिन मंदिर में एक सेठ सेठानी आए। पंडित जी, मैं कई वर्षों से संतान की आस लगाए बैठा हूँ, ना जाने भगवान की कृपा दृष्टि हम पर कब होगी। मैं शिवरात्रि के शुभ दिन भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ और पूरे गांव को इस पूजा में आमंत्रित करवाना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पुजारी जी कहते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान जरूर मिलेगी, पर हाँ, बच्चा होने पर एक बार मंदिर दर्शन को आना मत भूलना। एक साल बाद सेठ जी को संतान की प्राप्ति होती है। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भोलेनाथ के दर्शन को मंदिर आते हैं। पंडित जी ये देखकर बड़े खुश होते हैं। पंडित जी, भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे ये बालक दिया है, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ मुझे, आपकी क्या इच्छा है? मैं इस मंदिर में सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये शिवलिंग तो बहुत पुराना है, इसे हटाना संभव नहीं है, और अगर सोने की शिवलिंग लगा दिया तो चोरी का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन पंडित जी, मेरा मन बना हुआ है, कृपया कोई हल बताइए। ठीक है, मैं गांव वालों से बात करके आपको सलाह दूंगा, आप दो दिन बाद आइए। रात को पुजारी जी ने आकाश से इस बारे में सलाह मशवरा किया। पंडित जी, आप फिक्र ना करें, जो भोलेनाथ सारे जगत की रक्षा कर सकते हैं, वो अपने शिवलिंग की भी रक्षा करेंगे। आप सेठ जी से कहिएगा कि वो इसी शिवलिंग को सोने का मंडवा दें। शिवलिंग पत्थर का भी रहेगा और सोने का भी दिखेगा। लेकिन चोरों के लिए तो ये सोने का ही शिवलिंग रहेगा। वो चिंता आप मत करें, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पुजारी जी अगले दिन सेठ जी को ये सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। एक महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। फिर एक दिन पंडित जी आकाश को बुलाते हैं। आकाश, तुम्हारे कहने पर मैंने शिवलिंग पर सोना चढ़वा दिया, लेकिन अब इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। पंडित जी, मेरे होते हुए पूरे गांव में चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं मंदिर का विशेष ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करें। एक रात जब आकाश मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चोर है क्या तू? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस इस शिवलिंग से सोना हटाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? ये सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तुमने मेरे और मेरे भक्तों के बीच सोने की दीवार खड़ी कर दी, मेरे भक्तों का अर्पण मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा, इस सोने पर ही रह जाता है और ना ही वे मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। ये सुनकर आकाश भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा ही नहीं कि अब तक जल नहीं चढ़ पा रहा है, मैं अभी सोने को हटा देता हूँ। आकाश ने तुरंत शिवलिंग से सोना हटा दिया। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब मंदिर खुला तो पंडित जी ने आकाश से सब पूछा। आकाश ने उन्हें पूरी बात बता दी। पंडित जी ने फौरन सेठ जी को बुलाया। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिद में आकर आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में फिर से पहले जैसी पूजा होने लगी। सेठ जी ने वो सारा सोना गरीबों में दान कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।